इस तरफ पीछे घूम जाओ ना पीछे। हाँ ये माथा वाला की तरफ सर। ये फोटो मैं करिए लगाएंगे। फेस मत लेना ठीक है, वो मत लगा तो हमारा खर्चा पानी घर से बंद हो जाएगा। अरे यार हम लोग जा रहे थे, आए हुए थे बाहर से, एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आए हुए थे हम लोग तीन लोग। हाँ। तो हम लोग जैसे ही हमें पता लगा कि उधर से मना किया, हम लोग इधर आगे नहीं जाना, तो हम लोग बोले ठीक है। हम लोग जैसे ही मुड़ के जाना शुरू किए, पुलिस ने दौड़ा के, और वहाँ पर जो गेट एंट्री होती है लोहे वाली, वहाँ पर लगे डंडा मारने, अब कूदने के चक्कर में भागने के चक्कर में पीछे किसी को लगा, अब यहाँ सर पे चोट लगा और बाकी यहाँ जो है गिरने के बाद। आपके कितने साथियों को चोट लगी है? मुझे ही ज्यादा लगी है, मेरा दो लोगों को, मेरा कोर पे लगते जान जाते जाते बची है। ठीक है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे जी रोज कोई भी छोटी मोटी बात होती है, ये 1000-2000 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और दंगा करते हैं। किस बात को लेकर दंगा किया जाता है? किसी बात पे किसी से लड़ाई होती है, पूरी कॉलोनी को परेशान करते हैं। कौन है? आज क्या हुआ था? ये सब स्टूडेंट आज इनका किसी फील्ड से झगड़ा हुआ है, तो इन्होंने गाड़ियां तोड़नी चालू कर दी। ये सब्जी बाजार में लेडीज आई हुई थी, उनको मारना चालू कर दिया, दुकानें बंद करा दी, तोड़फोड़ करी, गेट बंद कर दिया। लोगों को मारो। कौन है ये लोग, क्यों मार रहे हैं? ये स्टूडेंट है, इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। सर अगर मुखर्जी नगर की बात की जाए, जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, नेहरू विहार की बात की जाए, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ तो करीब इन्हें बोल दीजिए भाई, सब्जी का कोचिंग खुली हुई है, गंद बड़ा हुआ है कॉलोनी है पूरा। हम तो बुरी कोशिश कर चुके हैं, ये कोचिंग बंद होनी चाहिए, यहाँ से जो मॉल में है, जहाँ घरों में खुली हुई है, ये कोचिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ प्रदीप जी, क्या कुछ हुआ आज यहाँ पर? आज यहाँ पे एक डीलर के ऊपर, पैसों के लेनदेन के ऊपर इनका आपस में हाथापाई हुई, और डीलर के साथ झगड़ा हुआ। इन लड़कों ने कम से कम 2000 लड़कों ने मिलकर पूरी कॉलोनी में हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ी, दुकानें तोड़ी, एक दुकान के अंदर से कैश बॉक्स भी उठा लिया, और औरतों को इतना मारा जो डीलर के घर में और औरतों को मारा इन्होंने, और इतनी बदतमीजी। क्यों मैं आईपीएस कर रहा हूँ, मैं आईएस कर रहा हूँ, तो डीसीपी का लड़का हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ तक कि पूरा पुलिस स्टाफ हमारे इनको नॉर्मल करता रहा, और यहाँ पे तीन सर, इनका झगड़ा डीलर से था, तीन पुलिस कर्मचारी, उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया बेमतलब। सर इनका झगड़ा डीलर से था, ये पूरी कॉलोनी के ऊपर क्यों हुए? वजह क्या थी? पूरी पब्लिक पे पैसों की थी, पैसों के लेन देन के ऊपर इनका झगड़ा हुआ, पैसे उससे गुंडागर्दी 2000 लोगों ने हमला कर दिया, कितनी गाड़ियां तोड़ी, दुकानें तोड़ी, औरतों को मारा इन्होंने, यहाँ तक इतना बवाल कर दिया कि सारे गेट बंद कर दिए, और यहाँ तक कि कहते हैं कि अब रात को आगे लगाएंगे, आग लगा देंगे घरों में। ये देखो ना, ये पीछे ये रही सर भाई, एक बार में तो एक ही देखेंगे ना। हाँ है, देखे इनको, ये किसने दिया दिया प्रॉपर्टी? ये तो पुलिस को गाड़ी दे रहे हैं कि पुलिस वाला क्या करेगी? अमित भैया आओ, अतिथि अतिथि जी आप साइड में आ जाओ, साइड आओ, साइड आ जाओ। आप लोग खुद ही समझदार हो, ऐसा करो कि चीजें खराब ना हो दोबारा से। हाँ 4-5 लोग रहो अपनी बात बताने के लिए, ऐसा ना ना झगड़ा हो जाए दोबारा से। हाँ लेडीज को भी मारा है उन्होंने, कोई बात नहीं, दंगा फसाद कर पढ़ने नहीं है।
हाँ नहीं ना, हाँ क्या कर रहे हो? खैर तो जा यार, बस आगे बंद करना। जी क्या मांगे आप लोगों की, क्या कुछ हुआ? मांग है कि ये मामला सीधा हुपा के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। हम लोग चाहते हैं कि किराया जो है वो सर्किल रेट से चार गुने पर वसूला जाता है, इसको पहले कम किया जाए और जो स्टैंडर्ड रेट है उस पर किया जाए। ऑनलाइन और एक मिनट, ऑनलाइन जो ऑनलाइन हर मकान मालिक अपने कमरे के बारे में ऑनलाइन जारी करें, उनका ऑनलाइन अकाउंट हो, हमसे पैसा ऑनलाइन लिया जाए और जो पैसा वो वसूलते हैं उसका सर्विस टैक्स जीएसटी उनका काटा जाए। पहला ये है क्योंकि इससे ब्लैक मनी बहुत जनरेट होता है, इससे ब्लैक मनी बहुत जनरेट होता है इनका मार्केट की। उसके बाद क्या होता है, इनके घर के ही लोग ब्रोकर बन जाते हैं, अपना ही मकान किराया दिलाने के लिए हमसे ब्रोकरी भी लेते हैं और हमारा जो है सो मंथली किराया भी लेते हैं और जब हम मकान छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमारा पैसा नहीं लौटाते हैं। आप बताइए कि कमीशन भी लगता है तो जितना पैसा नहीं बढ़ता है पांच साल में उससे ज्यादा हर साल 10% की रफ्तार से ये बढ़ा करके हमसे पैसा लेते हैं। दूसरी बात है कि जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गलत व्यवहार किया है, मारपीट किया है, उन पर FIR दर्ज हो, उनकी कार्रवाई हो और पुलिस बिल्कुल दिल्ली पुलिस से हम लोग का आग्रह है कि दिल्ली पुलिस इस पर सख्त से सख्त कानून जारी करे और इस पर ये हो कि कोई भी जो है अब से हम लोग कैश पैसा नहीं देंगे, हम सारा पैसा ऑनलाइन देंगे। ये लोग अपना अकाउंट नंबर ऑनलाइन करे और उसे भरा सरकार उसे जबरन मारपीट की जाती है। अभी आप लोग यहाँ पर रहेंगे क्या, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप? सर बिल्कुल असुरक्षा, सर बिल्कुल असुरक्षा की भावना है, लेकिन एक बात बताइए, हमारे माँ बाप जमीन बेच करके यहाँ बेचते हैं, हम लोग आए हैं, हम अपनी तैयारी करें या यहाँ पर असुरक्षा की वजह से पीछे चले जाइए, इनसे मारपीट करें? हम लोग UPSC के छात्र हैं, कमीशन की तैयारी करने, हमें कानून जानते हैं, हम क्यों तोड़फोड़ करेंगे, क्यों इनके साथ मारपीट करेंगे, हमारा उससे क्या फायदा है? अभी तोड़फोड़ की बात करिए, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कुछ छात्रों ने ही गाड़ियां तोड़ी, वो क्या है? सर गलत आरोप है, इनका सर इनका वीडियो रिकॉर्डिंग है, पुलिस चाहे तो तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल करके शिनाख्त कर सकती है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है? ठीक है, पिछले चार सालों से नेहरू विहार में रह के UPSC की तैयारी कर रहा हूँ जी। परसों हमारे ही बीच के एक प्रतियोगी भाई को एक छोटी सी बात पर लोकल गुंडों ने मारा और उनको गाली गलौज दी कि तुम लोग बाहरी हो, बहुत गंदी गंदी गालियां दी जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूं यहां पे। इसके बाद हम लोगों ने एक अहिंसक आंदोलन किया कुछ छात्रों के साथ मिलकर, क्योंकि हम लोग जब आए बीट घर पे आए तो हम लोगों की पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना। पुलिस ने FIR करने में 2 घंटे समय लगाया और लोकल लोगों से, लोकल पॉलिटिशियन से उनको सपोर्ट मिला, इसलिए उन लोगों ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की। जब हम लोगों की कोई मदद न मिलने के बाद हम लोगों ने मीडिया की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद भी हमको धमकाया गया पुलिस के थ्रू कि हमारी रिकॉर्डिंग की गई कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लाज दिए जाएंगे, हमारे घर में घुस के मारा जाएगा हमको, हम लोग विभिन्न प्रांतों के हैं इसलिए हम यूनाइट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है ACP सिविल लाइन्स थे, उनके कहने के बाद हम लोगों ने अपने धरने को परसों शाम को 5 बजे वर्धमान प्लाजा पे स्थगित किया। अपना ज्ञापन देके उन्होंने हम लोगों से कहा कि 7 दिनों के अंदर आप लोगों की जितनी मांगे हैं उतनी मांगों को आपको पूरा कर दिया जाएगा। हम लोगों से सर पीड़ा ये होती है कि एक तो यहाँ पे 25 गज के कमरे हैं और मनमानी किराया है, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। जब हम लोग घर से आते हैं तो एक तो ब्रोकरेज हाफ किराए का पहला महीना ब्रोकरेज लिया जाता है बिना किसी रसीद के, बिना ओ भी कैश, अगर हम लोग ऑनलाइन देना चाहें तो ये लोग ऑनलाइन नहीं लेते हैं। पूरा किराया भी हर लोग, ये लोग जो है हमेशा कैश लेते हैं। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे हमारी सहपाठी छात्रा हैं, कुछ हमारे मित्र हैं जो कमजोर पड़ते हैं या कमजोर तबके से आते हैं, उनको ये लोग जाके रात को 2 बजे किराया वसूलते हैं। हम लोगों ने कई बार इस चीज का ऑब्जेक्शन लिया और नजदीकी पुलिस चौकी पे इसकी कंप्लेन भी की, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी संदर्भ में आज जो है पुनः शाम को 5 बजे एक ब्रोकर के यहाँ
डिम्पी प्रॉपर्टी, डिम्पी प्रॉपर्टी 120 बी जो रहता है बी ब्लॉक 120 में ग्राउंड फ्लोर पे किराया देने, उसने छोटी सी बात पे सिर्फ तुम मैं पे उसने तुम करके बात की, फ्रेंड ने उससे ऑब्जेक्शन लिया कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं हमसे, अगर आप ढंग से बात करना हो तो ढंग से बात करिए, अदरवाइज हम लोग जा रहे हैं लैंडलॉर्ड को भेज दीजिएगा, हम लोग किराया उनको दे देंगे। इतनी सी ही बात पे उन्होंने अपना स्लीपर निकाला और ये गाली देते हुए कि तुम लोग बाहरी हो, माँ बहन की गाली देते हुए झाड़ू से चप्पलों से उसको मारा, उसके पैर में मोच आ गई है, उसको कंधे पे चोट लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग आए हैं चौकी पे और 8,000 रुपया प्लस उसका छीना गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे FIR करवाने के लिए, तो हम लोगों को नजदीकी PCR बुला के बैठा दिया गया, जिसमें मैं स्वयं गया प्लस मेरा एक छात्र ये मेरा फ्रेंड ये गया और प्लस विक्टिम्स को साथ लेके हम लोग गए। वहां पे जाके पुलिस वालों ने हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं किया, हम लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया गया, हमारा मेडिकल भी करवाने में। फिर हम लोगों ने SHO तिमारपुर को कॉल किया, उसके बाद उन्होंने मदद की हमारी, फिर हमारा मेडिकल हुआ। उसके बाद हम आए हैं, हमारे आने के बीच में चूंकि यहाँ पे भीड़ हम लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, चूंकि हम लोग कोई तोड़फोड़ कोई नहीं किए, चूंकि परसों भी हम पिछले दो दिन से हम लोग आंदोलन रहे। अभी बताया जा रहा था यहाँ कुछ लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुआ, हम गए थे सर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, भीड़ में कुछ लोग लोकल गुंडे जो हैं जो अराजक तत्व घुस आए और उन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, गाड़ियों का शीशा तोड़ा, बाकी जो भी संपत्तियों का नुकसान किया ताकि ब्लेम हो जाए छात्रों को। इसके बाद पुलिस ने लोकल लोगों को यहाँ खड़ा करके, लोकल लोगों के हाथ का पानी पी के, उनके घरों से बॉटल का पानी मंगा के, और हम लोगों को माँ बहन की गाली दे के हम लोगों को घर में गलियों में घुस घुस के मारा, और ये कहते हुए कि आप लोग जाके पढ़ो नहीं तो आप लोगों का वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों का वीडियो बना के आप लोगों के खिलाफ कल से आप लोगों को क्लैरिफाई करके आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, हम लोगों को डराया जा रहा है।